तू मिट्टी में धूल बाबू, तू अरबाग में फूल बाबू, तू मिट्टी में धूल बाबू, तू अरबाग में फूल बाबू, तू मेरी पहचान से, तू मेरी पहचान से, या दुनिया पूजा मंदिर मस्जिद बाबू मेरा भगवान से। पहली पहली बार मिलता है कोई, अखियों से प्यार निनता है कोई, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ओ दिल का दिलेर होया करे से, दिल का दिलेर होया करे से, जिसने कहे से जा, मन बड़ा फकर हो वैसे, जब का मैं मन सब चार, मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हल चल, कहे दरिया का पानी कल कल। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे तुझे बताए, कैसे तुझे बताए, दीवानगी ने पागल किया है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। लग जा गले के फिर हसी रात हो न हो, फिर दोबारा ये बात न हो। माटी में मिले माटी, क्या बात, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम एक बार फिर दोबारा से मौजूद हैं, उपस्थित हैं छोरी बावर्ती, छोरी बावर्ती के पास मौजूद है, हम मौजूद है जिला चरखी दादरी, नया जिला बना है और चरखी दादरी जिले में बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित है। और कहाँ पे उपस्थित है आप सब जान और पहचान गए होंगे, हमने एक वर्ड बोला है कि छोरी बावल्ती, यानी कि मिस आर के राकेश सोरण के पास उपस्थित हैं। इनका स्टूडियो है बहुत ही भव्य बाढड़ा विधानसभा क्षेत्र में और उस स्टूडियो में मौजूद हैं, मस्ती म्यूजिक धमाल होगा, जबरदस्ती की जांच फिर आपकी सेवा में हम राकेश जी के साथ उपस्थित है। डायमंड हिल म्यूजिक कंपनी मिस राकेश सोरण की है, इसमें चार कंपनियां हैं, भक्ति और भक्ति के साथ हरियाणवी टेलीफिल्म, और टेलीफिल्म के साथ साथ इनके जो सॉन्ग आ रहे हैं जो लेटेस्ट, वो ये तीन चार कंपनी एक साथ ही काम कर रही हैं और हर प्लेटफॉर्म पे है, न्यू कमर को मौका दे रही हैं। तो सबसे पहले हम मिलवाते हैं मिस आर के राकेश सोरण से। राकेश सोरण जी, हरियाणा न्यूज 24 पे बहुत बहुत स्वागत आपका। सभी को राम राम जी, नमस्कार, जय हिंद जी। राकेश सोरण जी, सबसे पहले जी, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़ भाई, ये नहीं आता। अच्छा एक बार बोल कीजिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। आपको
आपको पता है कि मुझे नहीं बोला जाता, जब भी आते हो ये बुलाते हो। सारी दर्शकों की डिमांड है, अब राखी से सीख लिया होगा, इसलिए बोले छोरी बाउल्टी के पास जाए। एक न्यू नाम दे दिया भाई ने, मतलब एक सॉन्ग आया था, एक सॉन्ग आया था राखी छोरी बाउल्टी, छोरी बाउल्टी का वो सॉन्ग था ना आपका, छोरी बावड़ी नाम रख दिया, नहीं सोगा अच्छी उसमें... बात नहीं है वैसे। मैं नाम रखूंगी ना तो देख लियो फिर, आपकी मर्जी, भाभी से भी मुंह छुपाते ही रहोगे। अच्छा मिस राकेश, हाँ जी सर, मुझे ये बताइए आप जी, एक बार सिर्फ दिल से कहिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, एक बार दिल से उसके आगे फिर शुरू करते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का। नहीं होता, यहाँ ये हार चुकी है, अब आप भी ट्राई करते रहिए, जा सकते हो कोई ग्वालो, लेकिन ये नहीं बोला जाता, ये नहीं बोला जाता। अच्छा आप अपने घर पे देख रहे हैं अभी, तो एक बार आप भी ट्राई करके देख लीजिए, अगर बगर में आपके माँ पिताजी भाई बंधु बुआ फूफा भतीजा जहाँ भी बैठे हैं, एक बार आप ट्राई करके जरूर देख लीजिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। क्या बात है भाई, इतनी फास्ट, मतलब कि जुबान का रियाज है आपका, तो जुबान का तो आपसे तो सीखा है हमने सब कुछ। नहीं नहीं सीखा ये नहीं, वो कहता है ना गुरु 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 रह जाता है चेला शक्कर बन जाता है, तो हम इनसे ही सब कुछ सीखा है। जय हो गुरुदेव जी, जय हो गुरुदेव। राकेश जी भाई, सबसे पहले एक थोड़ा सा गाना गुनगुना के सब दिखा दीजिए, फिर अब शुरुआत करेंगे नए सिरे से, आज की कई चीजें हैं, बातचीत करेंगे दर्शकों के साथ। भाई मेरा बाबू सॉन्ग है, जो आज मैंने दिन में भी जब लाइव आई थी ना तब सुनाया था, वो सुना देते हैं बाबू सॉन्ग। हाँ जी, मेरे चैनल पे है मिश्रा किशोरान पे। तो तू मिट्टी में धूल बाबू, तू अरा बाग में फूल बाबू, तू मिट्टी में धूल बाबू, तू अरा बाग में फूल बाबू, तू मेरी पहचान से, तू मेरी पहचान से, या दुनिया पूजा मंदिर मस्जिद बाबू मेरा भगवान से, या दुनिया पूजा मंदिर मस्जिद बाबू मेरा भगवान से। कैसा भाई, बहुत जबरदस्त, आपको दिल को छू लिया इस गाने से, क्योंकि आज माँ बाप सड़कों पे और गौ माता सड़कों पे है, अनाथ आश्रम बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन, पहले अनाथ आश्रम नहीं होते थे, आज हर छोटे छोटे कस्बों में भी बड़े बड़े अनाथ आश्रम खुल चुके हैं, और बड़े महानगरों में हाँ, आज के नौजवानों की बिल्कुल, माँ बाप एक चाय के कप के लिए तरस रहे हैं, बाहर पड़े रहते हैं, चाय तो बहुत दूर की बात है भैया, मैं देखती हूँ गांव शहर में माँ बाप पे, आप सभी भी देखते होंगे आपके गांव में आपके शहर में आस पड़ोस में, कि माता पिता के पास बैठने के, माता पिता के पास बैठ के बच्चे के पास इतना टाइम भी नहीं है कि उसे दो बातें प्यार के कर ले कि माँ आप ठीक हो, पिताजी आप ठीक हो, बड़े शर्म की बात है, जो भी सुन रहे हैं ना मेरी आवाज, कुत्ते के लिए समय, कुत्ते के लिए समय है, हाँ जी कुत्ते ट्रैवल करते हो गाड़ियों में, फोन हो गया, रील बनाते हैं लोग, इंस्टा पे डालते हैं, माँ बाप को एक बार खड़ा किया बस रील डाल दी, ऐसे नहीं, जिस प्रकार से उन लोगों ने आप लोगों से, माँ बाप ने जितना प्यार किया है ना, हाँ जी उसे ही उसी प्रकार से प्यार कीजिएगा, कि जिसके माँ बाप भाई खुश है ना, दुनिया की सारी दौलत उसके पास है। क्या बात है राकेश जी, मतलब मैं मानती हूँ, इसलिए क्या सोच के बनाए, मैंने इस गाने से 100 लोग भी अगर सुधर जाएंगे ना, तो ये समझेंगे भगवान इस तरह के गाने सभी बनाए जैसे आपने बनाया राकेश जी, बहुत अच्छा गाना बनाया आपने, और अक्सर आप ट्रेवल करती हैं दूर दराज बाहर अदर स्टेट में जाते हैं, तो शाम के सुबह के समय देखती होगी, क्योंकि लोग बड़े बड़े कुत्तों के लिए घूमते हैं, और वो अपने माँ बाप को 1 किलोमीटर का सफर नहीं करवा सकते, शर्म आती है उनको, लेकिन कुत्ते को साथ लेके वो घुमा के लेके आएंगे, शर्म तो इसलिए आती है ना, उन्होंने उनको जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, पढ़ाया, अच्छी शादी कर दिया, अच्छे कैश रखा उनके पास, अब शर्म तो आनी है, क्योंकि देखो जिस शर्म किस चीज की होती, गलत काम करने की शर्म होती है, किसी का स्वाभिमान मारने पर शर्म होती है, अगर जो इंसान अपने माँ बाप के नाम से माँ बाप को किसी से मिलवाने
के कारण शर्म करता है, मुझे ऐसा लगता है वो इंसान इस धरती पे बोझ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली। राखी जी, हाँ जी, क्या और गुनगुना के सुनाने? लेटेस्ट जो अभी 2-3 महीने से हम आपसे बातचीत नहीं कर पाए, आप ही काफी व्यस्त हैं, हम भी काफी व्यस्त हैं, इसकी तो फिर पिटाई होनी चाहिए क्योंकि राकेश जी का ये एक ही सबसे बड़ा उलाना है। वैसे तो मैं ना सभी को बता देती हूँ, ये इतना गंदा भाई है, बंदे पे नहीं आया ये उलाना है, ये सारे है ना इस तक कमेंट करके बताइयो ये बड़े पे। माफ करना, माफ करना, माफ करना, सभी के सामने मांगो भाई माफी। राकेश सौरान बहन जी माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अगले बर्थडे को 2 दिन पहले बैठ जाऊंगा आके, और आपका गिफ्ट पक्का है। तो अब मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए भाई का प्यार आशीर्वाद। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी लोग देख रहे हैं जी, एक गाना गुनगुनाइए, उसके बाद आपसे एक बात पूछेंगे जी, बताइए। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। पूना भाई आज मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। तो शादी के नाम से कत्ल? हां मैंने पहले ही बोला है, अभी हाथ में मेहंदी लगा रखी है। कहा मेरा हाथ ही नहीं है, देखो अभी मेहंदी लगा लगा दिखा नहीं रही है, तो मैंने ये सोचा कहीं कहीं फिक्स हो चुकी है शादी बहना की। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, लेके आएंगे दूल्हे राजा। तो ऐसी बात तो है कुछ, तो मेरी शादी होगी ना तो नू सोच ले तरी तिजोरी खाली हो ठीक है। अच्छा अभी इंतजारों बैठे हैं जी, तो कोई ना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे इंतजार में बैठा है राकेश के, तो क्या वो बैठा रहेगा या शादी? हाँ भाई, मैंने मेहंदी लगाई लेकिन मेरे शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है, आगे इरादा है, ये आज मेरे हाथों से इसका कत्ल होने वाला है और पीछे पड़ा हुआ। जब से मेरे स्टूडियो आया बहन जी, ये मेहंदी क्यों लगाई, ये मेहंदी क्यों लगाई भाई, घर पे प्रोग्राम था, भाभी होने लगा दी, बहन सिस्टर सभी आए हुए थे, आए हुए थे। वैसे जिंदगी मैंने मेहंदी लगाई नहीं, पहली बार लगाई है, पहली बार लगाई है, पहली पहली बार मिलता है कोई अखियों से प्यार मिलता है कोई, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये देख लीजिए अभी ये साफ तस्वीरों में देख लीजिए आप राकेश। हाँ जी, वास्तविक शादी की इरादा है नहीं करेंगी, कोई तो अभी देख रहा है आपको, सुन रहे हैं भैया, मैंने पहले ही बताया मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, और तूने अब की बार शादी का नाम लिया ना प्रिंस, भाई माफ करना शादी की बात, बस शादी की। राकेश अभी लेटेस्ट मुझे एक बात बताना, उसके बाद वो गाने पे आता हूँ। हाँ। तो मुझे ये बताइए, अभी चुनाव का समय चल रहा है। हाँ, हर पूरे हरियाणा में ठीक है, तो उसके लिए आपके पास समय वो भी निकालते हैं या फिर समय नहीं मिल पाता? वन वीक से फिलहाल अपने चुनाव जो चल रहे हैं जिला पार्षद एबीसी मतलब पंचायत के पार्षद के, पार्षद के जो सभी जो भी हैं, तो सभी के गाने आ रहे हैं, और जो भी भाई देख रहे हैं आप लोगों ने भी गाने कराने हो तो अपना स्टूडियो आरके ड्रीम म्यूजिकल स्टूडियो है 9837-33-200, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है स्टूडियो का, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो नो डाउट, और निशान मिल जाए उसके बाद तो और भी जोरों पे होने वाला है, निशान से पहले भी बना सकते हैं। अभी गाने बन रहे हैं, आज मैंने गाने किए। अच्छा, निशान के बाद फिर दोबारा भी दोबारा गाना रिपीट होगा? जी जी, निशान से पहले दोबारा है ना? निशान से पहले देशभक्ति गाने होते हैं भाई, जो जो उम्मीदवार उठा हुआ है उसका कुछ किस वार्ड में, यानी कि दो चरणों में चुनाव है, तो कहीं एक पार्षद 3 गाने बनवाता है, एक पार्षद 3 गाने। अच्छा राकेश जी, चलो बहुत अच्छी बात है, आप सुन लीजिए, हरियाणा में कहीं भी, हाँ कहीं से भी, हरियाणा में कहीं से भी हो चाहे इंडिया में कहीं से हो जी, आप अगर गाना वास्तव में रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, चुनाव का समय है, पंच सरपंच बीडीसी मेंबर पार्षद कोई भी अगर गाना बनवाना चाहता है तो आप कॉन्टेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर राकेश सौरान ने बता दिया। हरियाणा में कहीं भी अच्छे गाने, सुंदर गाने, बहुत ही देशभक्ति के गाने यहां से आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं राकेश की आवाज में, वॉइस लेडीज या जेंट्स के दोनों यहां पे काफी भव्य स्टूडियो है, साथ साथ न्यू कमर्स को भी मौका दे रही है, न्यू कमर्स पे बातचीत करेंगे अभी क्योंकि बैक सीरीज वगैरह काफी चल रही है राकेश के फिलहाल, तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। अच्छा एक गाना लगभग कितने में पैसे में पड़ जाता है या ले लो? जैसे चुनाव का तो हम लोग अलग अलग भी होता है, जैसे कि फीमेल में चाहे मेरी वोकल में तो 4,000 या 5,000 लेते हैं एक गाने का, हाँ मेल में चाहे तो 2,500 के लेते हैं क्योंकि कॉपी ट्रैक होते हैं। ओके ओके, हाँ जी, न्यू ट्रैक तो बनते आपको पता है 20-25,000-50,000 के बनते हैं। तो एक दिन में लगभग कितने गाने निकाल देते हो आप?
ज्यादा ज्यादा तो एवरेज वन वीक से यही 8-9 गानों की आ रही है। इससे ज्यादा किए थे, 13 गाने किए थे हमने। इससे ज्यादा नहीं कर सकते, पर 13 नहीं जी, कितने गाने हो? मतलब एक एवरेज होती है, मतलब हम 50 तक कर सकते हैं एक दिन में, डे नाइट में। वो तो फिर शरीर को थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होती। पता है क्या होता है, एक वो कॉपी ट्रैक होते हैं, उन पे काफी चीजें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कितने गाने कर चुके अभी? पंच सरपंच मेंबर पार्षद वगैरह टोटल 137 गाने कर दिए। क्या बात है जी, जहाँ भी कोई गाना बजता सुन रहा हो हरियाणा में, तो आप देख लीजिए राकेश सोरण का गाना कहीं ना कहीं आपको बजता दिखाई देगा। मेरे सरपंच मेंबर एरिया नहीं, दूर दूर तक आपका तक हमारा बचा हुआ है। महेंद्रगढ़, हिसार और क्या बोलते हैं भिवानी, चरखी दादरी और शिवानी साइड में तो बहुत ज्यादा है, मेरी ही रिकॉर्डिंग गई है। क्या बात है जी, तो इधर कुरुक्षेत्र है जी, ये मैम वगैरह इधर रोहतक है, इस साइड में जींद साइड में वो है। अच्छा जी, कैथल से तो अभी एक दो रिकॉर्डिंग आई है कि नहीं हमने अभी, क्योंकि अपने इधर से ज्यादा हो गया। ओके, जो नहीं होती है तो हम ये बोल देते एक दो दिन वेट करो, नहीं तो हम दूसरा स्टूडियो बता देते हैं भाई कोई बात नहीं है ज्यादा काम है। तो इतनी मोटी मोटी कैसे, क्या खाने? वो गाना आया था चंडीगढ़ जावण लगी इबके खावण, वो गाना क्या गाना था, गुनगुनाई दिखाई। मैं भाई आसन ज्यादा लगी पहले, मैं थोड़ी सी रूल टाइम में थी, अब ऐसा नहीं लगी। बात मुन्ना भाई का साथ मिल गया ना, वो जब से मैं मिली हूँ ना ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, मुझे आदत हो गई है। असली की आदत हो गई आपको है ना? हाँ, तो मैं अपने आप ही मोटी होती जा रही हूँ। सुराकिस गाना फटाफट सुना दीजिए, अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा गाना। अच्छा जी, हाँ अभी एक मैंने बताया था पीछे जाट गाना आया था मेरा। हाँ, आपके बहुत अच्छा गाना आया था जी, और जाट 2 भी आ रहा है अभी दीपावली के बाद। हाँ जी, बाद में। हाँ जी, और छैल लड़का भी सॉन्ग आ रहा है। अब ये मत पूछना किसी पे छैल लड़का। तो एक जाट सॉन्ग की 2 लाइन सुना देती हूँ आप लोगों को, और ये जाट सॉन्ग जातिवाद का नहीं है, आप सभी को बता दूं, उन जाट योद्धाओं का विवरण किया गया इस सॉन्ग में, जो अपने देश अपने समाज के लिए 36 बिरादरी के लिए उन्होंने तन मन धन से अपना जान उछाल किए। हाँ जी, ओ दिल का दिलेर होया करे से, दिल का दिलेर होया करे से, जिसने कहे से जा, मन बड़ा फकर हो वैसे, जब का मैं मन सब जा, मन बड़ा गर्व हो जब का मन सजाती। क्या बात है जी, क्या बात है, थैंक यू, बहुत अच्छा गाना है राकेश। हाँ जी, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया आपने, छोटा एम्पायर नहीं है ये, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी छोटी सी लड़की और इतनी बड़ी सोच लेके चल रही है, और यहाँ ऐसा कुछ है नहीं हम लोग अभी कैस के, क्योंकि महानगर में तो सब कुछ, हाँ वहाँ सब कुछ, वहाँ सीखने वाले भी आते हैं, सिखाने वाले भी आते हैं, एक्टर भी आते हैं, काम वाले भी आते हैं मांगने के लिए, सभी आते हैं। यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड, जब हम नाम लेते हैं चरखी दादरी बारडागा जी, यार वहाँ स्टूडियो बहुत बड़ा, उन लोग एक सोचने पे मजबूर हो जाता है एक बार, टिब्बे में मिट्टी में राजस्थान में वही स्टूडियो है, स्टूडियो। हाँ, मैं जो मेरे आसपास गांव, जो जितने भी गांव मेरे बाड़ा ब्लॉक में लगते हैं, उनमें कोई भी बच्चा टैलेंटेड होगा ना, तो उसको मैं जरूर मतलब बाहर लेके आऊंगी, बॉलीवुड तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और जो भी मेरी ये लाइव सुन रहे हैं, मुन्ना भाई का चैनल देख रहा है, एक तो सारे सब्सक्राइब करियो, दूसरा कॉमेंट करियो, और दूसरी एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी भाई मतलब इस वीडियो को देख रहा है, किसी के अंदर कोई टैलेंट हो, चाहे लिखने का हो, गाने का हो, एक्टिंग करने का हो, कोई मतलब डायरेक्शन करने का हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुन्ना भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोबारा एक बार दोबारा कांटेक्ट नंबर 98-137-33-200, ये हमारा खुद का मतलब आरके ड्रीम स्टूडियो का नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो हमारे साथ राकेश सोरण बनी हुई है, अकेली चली थी, बोल दो बावड़ी छोड़, कारवा बंधा गया, आज बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुकी है, मुंबई से आने के बाद सीढ़ियां चढ़ती गई और आज यही मुंबई बना दिया है। न्यू कॉमर्स भटकते रहते थे, अनाप शनाप हाथों में चले जाते थे, ठग लिए जाते थे, आखिर में घर पे बैठ जाते थे। न्यू कॉमर्स, पुराने कॉमर्स, हर चीज के जो भी गाने वाले या बजाने वाले या रोल करने वाले या कैमरामैन,
हर फील्ड के लिए, राइटर के लिए हर चीज यहाँ उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे रिकॉर्डिंग, फिल्म, एक्टिंग, पूरा सेटअप यहाँ पे लगाया हुआ है। आपको नंबर राकेश वोरा ने दे दिए हैं, इसी नंबर पे कॉन्टेक्ट कर से आप अपनी इच्छा, अपने सब कुछ पूरे कर सकते हैं भावनाओं को, क्योंकि अब आपको ना तो दिल्ली जाने की जरूरत, ना आपको गुड़गांव जाने की जरूरत, ना आपको चंडीगढ़ जाने की जरूरत, यही सब कुछ बना दिया राकेश। राकेश काफी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने में, बहुत ज्यादा मेहनत। मेरा 22 साल हो गया इस इंडस्ट्री के अंदर। आपके पिताजी का बड़ा सहयोग रहा है। मम्मी, मेरा बाप, मेरा पापा, मेरा क्या बोलते हो, डैडी, पिताजी, बापू? नहीं, मैं तो बाबू बोला करूं। और माता जी को माँ बोला करूं। बाबी तो नहीं बोलते हो? जब चूल्हा के पास में बैठ के रोटी खावा ना तो नू क्या कि नारा स्वाद है रोटी, माड़ी है रोटी गाल लिया। क्या बात है। और बाबू जिस तरह भैया की नू का बेटा राकेश, ठीक है, नू कर बाबू तो फोन पे भी कई, जैसे कोई भी टीम आ रही है तो मैं इन्हें कौन बाबू ठीक है, तो ऐसे नू चमकते हैं, क्या बोल रही है नू, आप तो नहीं पता इंडस्ट्री में ये बोलते हैं डैड, डैड, हाँ पापा, हाय डैड, हाँ। तो मैं या तो पिताजी बोलती हूँ, ज्यादातर मैं बाबू ही बोलू क्यों मुंह साबर है भाई बाबू है, हाँ। और बाबू घर का आधार होया करे, और मैं तो यार कोई भी अपने माँ बाप की सेवा करा करो, वह जिंदा है इतने खूब जिंदगी जिया करो, क्योंकि बाद में तो बोझ बनना ही वो है क्यों भाई। जिंदगी हंसने गाने का नाम है, मुझे ऐसा लगता है सिंगिंग आती है। आप अभी शो करा करो मुन्ना भाई, इसको छोड़ दो, छोड़ देते हैं अभी आपके साथ। अच्छा गुरुजी आपके साथ। अच्छा अच्छा सा गाना सुना दे। अब आप देख रहे हैं राकेश मेरे साथ बैठी हुई है ना, अब ये कुर्सी ऊंची कर रखी है हमने और नीचे क्या लगा रखा है, सारी बताइएगा। नीचे पैर नहीं टिक रहे थे, फिर काफी देर हमारे साथ बैठी रही, मैं क्या करूं, मेरे पैर नीचे नहीं टिक रहे, मैं क्या करूं, फिर सजेशन दिया वाली फिर इसने, और हमने सजेशन दिया नीचे वो मुंडा लगा लेते, बोले हाँ अब की बात ठीक है, अब मैं मुंडा लगा लेते हूँ, अब आराम से बैठी है, देख लीजिए आप मेरे लिए उन्हें बैठी है राकेश। राकेश आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन, किसको देख के आप इस लाइन में घुसे, क्यों, मतलब कोई तो ऐसा वाक्य शुरू में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे ऐसा कुछ जरूर हुआ है कि राकेश सोरन ऐसे तो आसानी कोई आने वाली नहीं है। जिस समय आपने शुरुआत की थी उसमें बहुत ही गंदी लाइन समझते थे लोग, अब तो हर घर में एक्टर बैठा है, हर घर में रावण बैठा है, हर घर में मेघनाथ बैठा है, वो कहते हैं ना वो इतने राम कहां से लाऊं, हर घर में रावण बैठा, तो मैं किसी मेरा कोई मतलब ब्रांड है या फिर जो आज मैं हूँ तो मेरी माँ कार्तिक नाया करती, तो मैं मेरी माँ के साथ कार्तिक नाया करती और वहाँ गीत गाती थी, मेरी माँ बहुत सुरीली कार्तिक में वो गीत गाया करती, तुलसा के राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे, राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे बनखंड में जाए ऐसा कुछ गा, और तुलसी के गीत गा करती, तुलसा कवारी तो कित भटकती फिर है, तो ये गीत मेरे माइंड में चलते थे, तो मैं मेरी माँ के साथ गाया करती, यानी कि आपका ब्रांड, हाँ, मेरी बहन बड़ी है वो भी कार्तिक नाया करती, फिर उनकी शादी होगी बड़ी बहन की, तो मैं मेरी माँ के साथ, छोटी मेरे से दो बड़ी है तो बीच वाली मैं, हम दोनों साथ नाती, मैं साथ कार्तिक नाई हूँ। क्या बात, साथ कार्तिक, कार्तिक नाए हुए कहाँ बैठा है कार्तिक, साथ कार्तिक, साथ कार्तिक नाए हुए, साथ कार्तिक नाए हुए, तो चाव करके मतलब इतना सुकून, अब भी मतलब जब ये महीना आता है ना कार्तिक का, तो क्योंकि मैं कार्तिक में मेरा जन्म होएड़ा है। मेरी माँ ने गुण कार्तिक में खाया, तो वो छोरी एक वो पागलड़ी आती है वो गाना, भाई को लोगों को बता दिया छोरी बावर्ती क्या क्यों रहा है ये भाई, ये इसलिए कह रहा है मेरा गाना आया था एक छोरो पागलियो, ठीक है, जो भाई रोक दे मित्र है ना, उस भाई को मैंने उसमें एक्ट में लिया था, और तभी ये इंट्रो करने आया था, मैंने इसको गाना सुना दे जब से मुझे बावड़ती कह रहे हैं। कौन सा गाना था? एक के छोरो पागलियो, के छोरो पागलियो। जब से बावड़ी करता है मैं बावड़ी नाम है, छोरी पागलती कि छोरी पागल थी। राकेश कैसा चल रहा है अभी काम? काम बहुत अच्छा चल रहा भैया,
मतलब अच्छा, मतलब पूरा दिन एक खुश रहते हैं, अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। मार्केट में अभी सोच रही हूँ कि बहुत बड़ा काम दूं, ताकि मैंने 2 साल हो गए अपना स्टूडियो लॉन्च किए, कोई बड़ी बड़ा गाना नहीं दिया, कोई धमाका नहीं हुआ। हाँ, धमाका नहीं हुआ है, तो अभी वही अभी होने वाला है। दीपावली के बाद पहले धमाका वैसे करो, ठीक है, पटाखे बजा के प्रदूषण नहीं फैलाना। नहीं, वो पटाखे मैं बिल्कुल अलाउड नहीं करती, ठीक है। पटाखे वो बजाओ जो पहले अपने काके ताऊ जिसमें क्या मडाला करते, वो बारूद से। हाँ, बारूद वो एक देसी होया करे जुगाड़, वो अच्छा है। और सबसे ज्यादा भाई एक दीपावली की और कहना चाहूंगी, कोई भी मोमबत्ती मत जलाइएगा, दिए खरीदेगा और दिए ही जलाइएगा, क्योंकि जो प्रदूषण है ना उसका बहुत ही, कहते हैं ना हवन करते हैं हम, उस टाइम में शुद्ध वातावरण हो जाता है अपने घर के अंदर भी आसपास भी। ऐसे ही दीपावली वाले दिन हर घर में कोई भी अगर मोमबत्ती नहीं जलाएगा, दिए जलाए जाएंगे, तो एक शुद्धता होगी। हाँ जी, हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हल चल, कहे दरिया का पानी कल कल। एक अच्छा फिल्मी गाना आपका फेवरेट जो अक्सर गुनगुनाती हो घर पे अकेला, अच्छा, या कभी मौज मस्ती गाड़ी में चलते हो अक्सर सुनते हो, वो गाना कौन सा है आपका? गाने तो बहुत सारे हैं, ताकि पता तो चलिए राखी सोना के लिए, जब ये गाना सुनते चलती है लगातार लगातार। मैं स्कूल में सुनाया करती एक गाना, हमारे राजेंद्र सर एक मैडम थी, वो हमेशा कहती थी राकेश भाई को ही सुनाओ, तो मैं देशभक्ति ज्यादा सुनाती थी। उसके साथ में एक गाना था जो कि अजय देवगन का गाना है, बहुत क्या नाम है, कितनी मोहब्बत करते हैं, तो वो गाना सुना रही हूँ। मैं स्कूल में सुनाती थी, कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे तुझे बताएं, कैसे तुझे बताएं, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे हम बताएं, कैसे हम बताएं। बहुत अच्छा गाती है, बहुत सुरीली आवाज है, सुरीली आवाज। भूल गई एक लाइन है, आवाज नहीं, आवाज अच्छी है आपकी, भूल गई होगी, अब कोई बात नहीं, लेकिन आवाज रखे बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू। एक तो जैसे वैसे करके आजकल इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आपने वो मैं कभी नहीं करती, लेकिन स्टेज पे गाता है ना, और वो सुर में उसको मानता हूँ असली हीरो में, वो होते हैं गुदड़ी के लाल। गुदड़ी वैसे के लाल। तो सब स्टूडियो में बैठ के हम अंग्रेजी सिस्टम आया हुआ है, सब मन घड़त कहानियां बना के म्यूजिक पेल देते हैं, लेकिन स्टेज पे एक घंटा गा के दिखाए उसको मानते हैं कलाकार, ये होता है असली कलाकार। मजा हुआ स्टेज पे गाना वाला, गाना तो स्टेज पे होता है, स्टूडियो में देखो मैं भी गाती हूँ। हाँ। लेकिन मैं कोई भी गाना बिना एनर्जी का नहीं, लेकिन आपको स्टेज पे खड़ा करते पूरी रात गा सकते हो आप। हाँ जी, कैपेसिटी है ये, लेकिन जो वो लोग देख रहे हैं सबको पता है वो गा नहीं सकते स्टेज पे एक घंटा भी। हाँ, आजकल जो आए हुए कलाकार, वो मैं ये कहती हूँ जो खुद का गाया हुआ गाना है ना उसकी भी लिपसिंग करते हैं, गलत बात है यार। सिंगर हो तो सिंगिंग करो ना, जैसे कोई बात ना, गलती सभी से होते हैं, सुर ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमसे भी होते हैं। लता मंगेशकर इतनी बड़ी, मेरी माँ सरस्वती माँ को सबसे ज्यादा मानते हैं उनको, मैं उनसे भी होते थे। जरूरी नहीं है अभी सारे सुर लगे, लेकिन जहां तक भी हो उसके लाइव करो, अच्छा गाओ, अच्छा संदेश दो। बिल्कुल। हाँ जी, तो मेरे साथ राकेश सोरण खास बातचीत में, राकेश सोरण और ये आरके स्टूडियो बहुत बड़ा यहाँ पे वाडा में है, और म्यूजिक डायमंड हिल कंपनी, डायमंड हिल म्यूजिक, ये हमेशा मेरी कंपनी का नाम भूल जाता है, घूम फिर के बात ना बावड़ती नहीं बोलता मैं कंपनी का नाम भूल जाता है, घूम फिर के बात वहीं पे आती है, चाहे उधर बोल लीजिए उधर बोल लीजिए, डायमंड हिल जरूर आएगा कंपनी का नाम। तो 2-3-4-5 कंपनियां हैं, और अभी चुनाव का समय है, उसके लिए राकेश सोरण धड़ाधड़ 20-30-50 गाने डेली रिकॉर्ड कर रही है। तो आपका अगर वास्तव में मन है चुनाव लड़ने का, या लड़ रहे हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने गाने बेखूबी बनवा सकते हैं आराम से, आप रिकॉर्ड या आप भेज सकते हैं, आने की अगर आपको समय नहीं है तो भी यहाँ पे करवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आना। बस अपना जो पोस्टर बना रखा है पार्षद का, बीडीसी का, सरपंच का हो, वो भेज दीजिएगा, और हम आपको ओडी बना के भेज देंगे। सारी आजकल पेमेंट फोन पे वगैरह में होते हैं, नो डाउट को जी। और हमारे सबसे, मतलब मेरे एरिया के तो सबसे बड़े न्यूज वाले भाई मोटू, मैंने इसका नाम आज से रख दिया इसने बावड़ के रखा ना, मैंने इसको मोटू नाम रख दिया।
कोई हसीना जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। अब सच चेहरे पे लाली माथे पे पसीना, कितनी खूबसूरत है ये हसीना। राकेश मुझे लगता है इनको इनको गुआना चाहिए, हमें स्टूडियो में गाएंगे जरूर। ऑफ कोर्स गुरुजी आप मुझे मौका दीजिए आपके स्टूडियो में आपके चरणों में पूरी जिंदगी गाऊंगा। कर दो चले यस है गुरुजी सबको मिले काश, वो कहते हैं ना ऐसी टीचर इतनी सुंदर गुरुजी सबको मिले, भगवान करे सीखने वालों को आनंद और वो सीख भी अच्छी तरीके से जाएगा, क्योंकि गाते तो हम भी थे पहले। शुरू शुरू में एक छोटा सा वाक्य बताऊं, मुझे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। अच्छा तो थोड़े शरारती थे सुगुनू मास्टर टीचर वगैरह सब, नहीं ये यार तो शरारती है, बाहर निकल क्लास से ये वो पीटते पीटते रहते थे, नाम नाम काट देते अक्सर रोज मेरा। तो एक वो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में बोले गाना गुना गाना है भाई है। तो मैंने ठीक है भाई वो गाना गाएंगे, तो उसमें मैं भी शर्माता था थोड़ा, लेकिन मैंने एक गाना बड़ा याद किया 10 दिन तक। मैं पूछ गया वहाँ पे वो जी मैं भी गाना है गाना, तो मास्टर ने क्या अजय तुम गाओ वो अजय खड़े हो गए वहां डरता डरता। मैं गाना मुश्किल से याद किया, देखा वो कॉपी में, तो बोले कौन सा गाना गा दे। तो मैं गाना शुरू किया, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे हो आहा आहा, दो बार कहते ही मास्टर ने डंडा दो दिया वहीं पे, कान पकड़ बोलो तंबू में दार बम उतार घरी लगाई भाग बोलो बुरे लगाव लाग गया बोले तंबू नहीं। मैंने बता दी थी अभी मैं प्लस टू के प्लस टू के बाद मैंने वैसे किए है, बीए कर नहीं पाया मैं, बीच में ही छोड़ दी, तोड़नी पड़ी मेरे को। हाँ वैसे लगता नहीं आप भाई कम पढ़े लिखे हो। नहीं मैं बीए नहीं कर पाया, तो मैं झूठ नहीं बोलता मैं, क्योंकि प्लस टू के बाद मैंने कोशिश की थी करने की लेकिन मैं नहीं कर पाया। आपके बोलने का नजरिया बहुत अच्छा है अभी मुझे तो बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है कि एक हरियाणवी हो चाहिए हिंदी हो सब बोल लेते हैं न्यूज में, तो आप अच्छे न्यूज वाले हैं उनको सपोर्ट किया करो। और मैं ये कहूंगी जो भी जिला पार्षद भाई वो अपना उम्मीदवार पद लड़ रहे हैं वो भाई से भी कॉन्टेक्ट करें, अच्छी न्यूज के लिए अच्छे लोगों से जुड़िएगा। तो ये है हमारा मुन्ना भाई जी। हाँ जी राकेश चलते चलते लता मंगेशकर का कई बार आपने नाम लिया तो गाना गुनगुना के सुना जी का। लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो फिर दोबारा ये बात ना हो। क्या बात है तो ये क्या बात है। तो चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना जरूर, कभी अलविदा ना कहना, अलविदा तो कभी अलविदा ना कहना। अपने मुख से सुनाइएगा ना कौन सा। चलते 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 आगे क्या है। मेरे ये गीत याद रखना, मेरे ये गीत याद रखना, कभी बावर्ती ना कहना, कभी बावर्ती ना कहना। तो ये राकेश बहुत ही हसमुख है, अच्छी कलाकार है, भाई बना दी इसने इसलिए बहुत ही हसमुख है। कड़वी सुन हां जी बता देती हूं, बहुत गुस्से में बात करते हैं, जब भी कोई बात करता है तो सभी ये कहते बहुत खड़ूस है, और भाई से मिलती हूं तो ऐसे हसमुख हो जाती अब है। देख लो आपने जितने भी पीछे के इंटरव्यू आप देखेंगे कभी भी कभी गुस्से में देखी हमेशा हंसते रहते हैं, कलाकारों में एटीट्यूड इतना भरा पड़ा है। मैं हरियाणा में बंबई तक बड़े बड़े फिल्मी हीरो का भी इंटरव्यू करता हूँ, मिलता रहता हूँ, लेकिन काफी एटीट्यूड होता है। यहाँ पे जब आते हैं बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है। आज इनके पास तो कम से कम 2.5 करोड़ का स्टूडियो है, इनके पास बहुत कुछ लिए बैठे हैं ये तो, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं है उनका भी एटीट्यूड इनसे लाख गुना ज्यादा मिलेगा। आप कहीं ना कहीं गाय बगाए मिले हो गया देख लेंगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ एटीट्यूड भैया जो जो मिला है हमने यही से मिला, यही छोड़ के जाना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। हाँ, क्या बात है। मिट्टी की बात है तो एक गाना सुना देते जी जी जी। माटी में मिले माटी, क्या बात, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, पानी का बुलबुला जैसे तेरी जिंदगानी,
अरे अभिमानी, अरे अभिमानी, क्या बात, भाई बंदी तेरे साथ न जाएंगे, कुट में कबीला तेरे काट जाएंगे। ये इस तरह के गाने राकेश सरो जरूर चलती है, लेकिन हमेशा अपने कल्चर पे जरूर फोकस रखती है ये लड़की, क्योंकि इसको पता है हम समाज में क्या परोसेंगे, क्या परोसने जा रहे हैं, हर चीज का बड़ी बारीकी से नजर रखती है। उसके बाद ये अपना फिल्म सॉन्ग जो भी पेश कर रही है। तो चलते चलते फिर हम बताना चाहेंगे, चुनाव का समय है, अगर आप वास्तव में आप अपना गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते हो ऑडियो या वीडियो का, अब किसी भी प्रकार आने की जरूरत है, हरियाणा में कहीं भी आप फोन कर सकते हैं इनके पास, आपका चुटकियों गाना तैयार हो जाएगा। प्राइस वगैरह सब बता चुकी है। अगर वास्तव में न्यू कुमार, पुराने कुमार, नए जो भी यहाँ रोल करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं गाना बजाना या एक्टिंग या टेली फिल्म शॉर्ट मूवी भी बना रहे हैं, किसी को एक्टिंग की जरूरत हो, कॉमेडी की जरूरत हो, तो आप कॉन्टेक्ट वो भी कर सकते हैं जी। तो चलते चलते लास्ट में गाना, वो आपका नंबर और बता दीजिए एक बार। हमारा नंबर दोबारा तीसरी बार बता रही हूँ, 98137 33200, और मेरा मिस राकेश ओरान नेम है, मेरी कंपनी डायमंड हिल म्यूजिक है, आप वहाँ जाकर सारा डिटेल देख सकते हो, गाने सुन सकते हो। और भक्ति का डायमंड हिल भक्ति पे बहुत सारे चेतावनी भजन, आरती और बहुत सारे बजरंगबली के बोले के मतलब क्या बोलते हैं साईं बाबा के सभी के भजन है। और डायमंड हिल हरियाणवी रागनी चैनल पे रागनिया है, मिस राकेश ओरान मेरा खुद का चैनल है सिंगिंग का, उस पे आपको देशभक्ति गाने मिलेंगे जी। और मिस राकेश ओरान व्लॉग है मेरा चैनल, उस पे व्लॉग देखने को मिलेगा। मिस राकेश ओरान मूवी चैनल है, उस पे हम शॉर्ट मूवी अभी स्टार्ट किए मैंने, मतलब 15 दिन ही हुए होंगे। हाँ जी, वहाँ भी शॉर्ट मूवी आप देख सकते हो। राकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय दिया, थैंक यू। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।